बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 पढ़ा था आर्टिकल, ठीक है। आज हम डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 11 पेज नंबर 59 ओपन करें। डिटरमाइनर्स होते क्या हैं जी? डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट कैरेक्टराइज आर लिमिट द मीनिंग ऑफ द हेड नाउन इन अ नाउन फ्रेज, ठीक है। यानी डिटरमाइनर्स जो है वो अल्फाज होते हैं, ठीक है, जो कि हेड नाउन के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी उसके मीनिंग्स हमें क्लियर करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, एक्सरसाइज ए दी हुई है। लेट्स रिमेंबर चूज द बेस्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। दानिया इज डैश स्मॉल चाइल्ड। अब इसमें आपके पास तीन ऑप्शन है, आ एंड द, ठीक है। ये आर्टिकल से डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दानिया इज अ स्मॉल चाइल्ड। नेक्स्ट है, शी हैज मेड डैश स्केचेस रिसेंटली, मैनी स्केचेस, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो सर्कल करना है, मैनी को, ठीक है। दानिया इज अ स्मॉल चाइल्ड, शी हैज मेड मैनी स्केचेस रिसेंटली। वन ऑफ द पिक्चर्स हैज अ 3D इफेक्ट। शी ड्रू अ पिक्चर यस्टरडे, इट वॉज दैट ऑफ an enchanting scenery. The parents were really surprised to see the painting. Their daughter has exceptional artistic abilities. They said, let us encourage her talent for painting. Those paintings will be exhibited in her school. All good paintings by every child will be at the hall, ठीक है। All the words in brackets in exercise A are determiners, यानी जितने भी आपको brackets में words दिए हुए हैं ये सारे determiners हैं, और इन determiners को हमने according to the sentence, according to its head meaning, ठीक है, हमने इस चीज को choose करना है, ठीक है, कि इन determiners में से which one will be correct, ठीक है। अब इसमें देखिए डेफिनेशन, डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट कैरेक्टराइज एंड लिमिट द मीनिंग ऑफ द हेड नाउन इन अ नाउन फ्रेज। फॉर एग्जांपल, दोस 5 बॉक्सेस शुड बी मूव्ड फ्रॉम देयर। रहीमास 2 ब्रदर्स आर आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस 5, ठीक है, एंड रहीमास 2, तो ये यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनर है, ठीक है, यानी जो हेड नाउन की मीनिंग्स हमें क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज्ड डिटरमाइनर्स, जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं डिटरमाइनर्स, वो कौन कौन से, आर्टिकल से आ एंड द, पोजेसिव नाउन से मीरास, माय अंकल्स। अब इसमें देखिए पोजेसिव नाउन में क्या होता है, अपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मीरा अपोस्ट्रॉफी एस, माय अंकल अपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। पोजेसिव नाउन यानी मीरास यानी मीरा का, ठीक है, एंड माय अंकल्स यानी मेरे अंकल का, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर 1, 2, 10। ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट सेकंड टेन। डेमोंस्ट्रेटिव्स दिस दीज दैट दोस। क्वांटिफायर्स मेनी अ फ्यू मोस्ट मोर नन। डिस्ट्रीब्यूटिव्स ईच एवरी नीदर इधर। इंटरोगेटिव्स विच हुज व्हाट। पोजेसिव एडजेक्टिव्स माय आर Your, his, her, it's there, ठीक है। अब देखिए जी, the definite, आगे देखिए आपके पास ब्लॉक में एक चीज दी हुई है, इसी के साथ ही the definite and indefinite articles are referred to as central determiners, ठीक है। जो आर्टिकल होते हैं चाहे वो डेफिनेट हो इनडेफिनेट हो, तीनों आर्टिकल्स जो होते हैं ये, इन्हें हम क्या जो है वो कंसिडर करते हैं, सेंट्रल डिटरमाइनर्स होते हैं। सेंटेंसेस ऑफन हैव मोर देन वन डिटरमाइनर्स, ठीक है, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा डिटरमाइनर भी हो सकते हैं। डिटरमाइनर्स दैट अकर बिफोर द सेंट्रल डिटरमाइनर्स आर कॉल्ड 3 डिटरमाइनर्स, ठीक है। वो डिटरमाइनर्स जो सेंट्रल डिटरमाइनर्स यानी सेंट्रल डिटरमाइनर्स यानी आर्टिकल से पहले जो डिटरमाइनर्स यूज होते हैं उन्हें हम 3 डिटरमाइनर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द डोर्स आर लॉक्ड, ठीक है। अब इसमें ऑल जो है ये इटैलिक राइटिंग में लिखा गया है और द जो है ये बोल्ड राइटिंग में है। तो द क्या है, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल डिटरमाइनर है और ऑल क्या है, प्री डिटरमाइनर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही रूल बताया जा रहा है कि द से पहले यानी सेंट्रल डिटरमाइनर से पहले जो आर्टिकल यूज सॉरी डिटरमाइनर हम यूज करेंगे वो प्री डिटरमाइनर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइनर्स दैट अकर आफ्टर द सेंट्रल डिटरमाइनर्स आर कॉल्ड पोस्ट डिटरमाइनर्स, ठीक है। इसी तरह से जो डिटरमाइनर्स
सेंट्रल डिटरमाइनर्स के बाद यूज होंगे उन्हें क्या कहेंगे, पोस्ट डिटरमाइनर्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सिंगर वॉज प्रिटी गुड. ठीक है, अब इसमें देखिए द जो है सेंट्रल डिटरमाइनर पहले यूज हुआ है और जो पोस्ट डिटरमाइनर है वो बाद में यूज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे है टॉपिक हमारे पास डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव्स. ठीक है, अब डिटरमाइनर्स में और एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के क्या यूजेस होते हैं. ऑल द एडजेक्टिव्स लाइक डिटरमाइनर्स क्वालिफाई नाउन्स, देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू. ठीक है, कि एडजेक्टिव जो होते हैं डिटरमाइनर्स की तरह वो भी नाउन के बारे में ही हमें बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखे दानिया इज अ स्मॉल चाइल्ड. ठीक है, अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, स्मॉल. सही है, अब उसमें स्मॉल भी क्या है हमारे पास एडजेक्टिव और डिटरमाइनर भी यूज हुआ है आ. तो इसी तरह से आप देखिए दोनों जो हैं ये नाउन के बारे में हमें बता रहे हैं, नाउन की मीनिंग को क्लियर कर रहे हैं. देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ बुनियादी जो है वो इख्तलाफ है, वो क्या है जी. अब दोनों टेबल में आपको एक में एडजेक्टिव शो किया गया, दूसरे में डिटरमाइनर्स है. ठीक है, अब देखिए डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन. एडजेक्टिव जो होता है ये प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन यानी नाउन की खसूसियात को बयान करता है, जबकि डिटरमाइनर क्या होता है, लिमिट द नाउन, ये लिमिट की यानी हद बताता है नाउन की. ठीक है, स्पेसिफाई देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑनरशिप. ठीक है, उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक बताता है जिससे उसकी ऑनरशिप शो होती है यानी उसकी मलकियत शो होती है. ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए कैन चेंज देयर फॉर्म. ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं एंड हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल. ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसी तरह से गुड, बेटर, बेस्ट. ठीक है, तो एडजेक्टिव्स में ये क्वालिटी होती है कि ये अपनी फॉर्म्स जो है वो चेंज कर सकते हैं और इनकी डिफरेंट कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं. ठीक है, जबकि डिटरमाइनर में क्या होता है, डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स एंड डू नॉट हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ना इनमें कोई कंपैरिजन डिग्री होती है इनके लिए और ना इनकी कोई फॉर्म चेंज हो सकती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये अगर डिटरमाइनर है तो इनके हम फॉर्म कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल. ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 3 हमारे पास है कैन अकर बिफोर और आफ्टर द नाउन. एडजेक्टिव जो होते हैं ये नाउन से पहले भी यूज हो सकते हैं, नाउन के बाद भी यूज हो सकते हैं, लेकिन क्या है जो डिटरमाइनर्स होते हैं ये हमेशा अकर बिफोर द नाउन, हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं, बाद में नहीं यूज होते. ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैन अकर आफ्टर डिटरमाइनर्स रिलेटेड टू द सेम हेड नाउन. ठीक है, अब एडजेक्टिव की क्या क्वालिटी होती है, दे कैन अकर आफ्टर डिटरमाइनर्स यानी वो डिटरमाइनर्स के बाद भी यूज हो सकते हैं रिलेटेड टू द सेम हेड नाउन. उसी फिर वही बात आ जाती है कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं दानिया इज अ स्मॉल चाइल्ड. अब इसमें देखें डिटरमाइनर भी है, एडजेक्टिव भी है. ठीक है, तो यहाँ पे यही रूल बताया जा रहा है कि जो आपका हेड नाउन होता है, ठीक है, डिटरमाइनर जो है वहाँ पे आफ्टर डिटरमाइनर यानी डिटरमाइनर के बाद भी एडजेक्टिव की डिग्री यूज होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखें कैन नॉट अकर आफ्टर एडजेक्टिव इन रिगार्ड टू द सेम नाउन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिटरमाइनर क्या करते हैं, कैन नॉट अकर आफ्टर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के बाद नहीं यूज हो सकते. फॉर एग्जाम्पल दानिया इज अ स्मॉल चाइल्ड है, लेकिन यू नहीं हो सकता दानिया इज स्मॉल अ चाइल्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखें कैन अकर इन सीक्वेंस डिस्क्राइबिंग द सेम नाउन. ठीक है, जबकि क्या है, डिटरमाइनर्स अकर इन वेरी शॉर्ट सीक्वेंस इफ एनी. ठीक है, एडजेक्टिव जो है इनका सीक्वेंस जो है वो इससे डिफरेंट होता है. ठीक है, डिटरमाइनर से ये बेसिकली एक सीक्वेंस में यूज हो रहे होते हैं. ठीक है, जबकि डिटरमाइनर्स का जो सीक्वेंस होता है वो शॉर्ट होता है यानी उसको इतना जो है वो खींचा नहीं जाता. नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव्स डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द जेंडर एंड द नंबर ऑफ द हेड नाउन. ठीक है, लास्ट रूल है हमारे पास, डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द जेंडर एंड द नंबर ऑफ द हेड नाउन. फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव जो है ये किस तरह से जो है वो मुतासर नहीं होते. ठीक है, नाउन के चेंज से हेड नाउन के. फॉर एग्जाम्पल अब अगर ही, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ स्मॉल चाइल्ड. ठीक है, एंड शी इज अ स्मॉल चाइल्ड. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जेंडर मैटर नहीं करती, लेकिन डिटरमाइनर्स में क्या होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर, ये जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिमसेल्फ, हरसेल्फ. ठीक है, द नंबर ऑफ द हेड नाउन. नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज बी आपके पास है, आइडेंटिफाई the adjectives and determiners in the following sentences, underline the determiners and circle the adjectives. ठीक है, जो determiner है उनको underline करना है, जो हमारे पास adjectives दिए हुए हैं उनको आपने circle करना है. आप इस exercise में देखिए
there are many important papers in this folder. ठीक है, आपने करना क्या है कि determiners को underline करना है और adjectives को circle करना है. ठीक है, there are many important. अब इसमें many क्या है, determiner है, इसको आप underline करेंगे, और important क्या है, adjective है, इसको आप circle करेंगे. ठीक है, many क्या है, determiner, और important क्या है. नेक्स्ट हमारे पास है लेट्स वॉच आउट फॉर एवरी सीक्रेटिव मूव ऑफ देयर्स. अब इस सेंटेंस में देखें, एवरी जो है ये हमारे पास डिटरमाइनर है. ठीक है, और सीक्रेटिव क्या है, सीक्रेटिव हमारे पास एडजेक्टिव है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेवरल एडवेंचरस पीपल ज्वाइन द ट्रैक. ठीक है, यहाँ पे सेवरल क्या है, डिटरमाइनर है. ठीक है, और एडवेंचरस क्या है, एडजेक्टिव, इसको आप सर्कल करेंगे. देयर ब्रेव अटेम्प्ट इज प्रेज़वर्दी इंडीड. ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए, देयर क्या है हमारे पास, डिटरमाइनर है. ठीक है, और ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माय फादर्स कोलीग हैज अ न्यू हाउस बाय द सी. अब इसमें बच्चों हमारे पास माय फादर्स को अंडरलाइन करेंगे, आप डिटरमाइनर है. ठीक है, और कोलीग क्या है, कोलीग्स, माय फादर कोलीग्स हमारे पास डिटरमाइनर है, हैज आ भी हमारे पास डिटरमाइनर है. ठीक है, और न्यू क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है. माय फादर्स आ और द ये हमारे पास डिटरमाइनर है. ठीक है, और इसमें हमारे पास न्यू क्या है, एडजेक्टिव है. नेक्स्ट देखिए, वी डिस्कार्डेड ऑल द अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द शेल्फ. इसमें ऑल द हमारे पास डिटरमाइनर्स है, अननेसेसरी जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, और द भी हमारे पास डिटरमाइनर है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है,